पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने 1250 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 8000 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक शहर बसाने की योजना बनाई है। इसमें जिन 11 गांवों के किसानों की जमीन खरीदने के लिए सोचा गया है, वहां के कई किसानों ने किसान यूनियन के नेताओं के साथ सोमवार को प्राधिकरण कार्यालय में विरोध जताया है और कहा है कि मनमानी तरीके से जमीन नहीं लेने दी जाएगी। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने 1250 हेक्टेयर भूमि पर मेडिसिटी, एजुकेशन सिटी, हैंडीक्राफ्ट, आईटी सिटी के साथ साथ आधुनिक शहर बसाने के लिए 11 राजस्व गांव डिडोरा, डिडोरी, चौधरपुर, खदाना, रसूलपुर, सुनवाती, सोनकपुर, भीमाठेर, लोधीपुर, जवाहरनगर, सलेमपुर, बांगर, शाहपुर, तिगड़ी और सिकंदरपुर की भूमि को भूस्वामियों से नियम के अनुसार खरीदने के लिए कदम बढ़ाया था। 24 जून को इसकी जानकारी प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने दी थी और कहा था कि भूमि खरीदकर टाउनशिप विकसित की जाएगी। एमडीए वाले कुछ लोग गए थे गांव के अंदर, कह रहे हैं ये जमीनें एडमिया एक और हो रही हैं। हम लोगों के पास छोटी छोटी जमीनें हैं, 4-5 के किसान हैं, मछली किसान हैं, इससे अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। और अगर ये एमडी जी जमीनें ले लेगा तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? कितने गांव के लोग? 12 गांव के लोग हैं, जब बहुत ही मछली किसान है, छोटे वर्ग के लोग हैं सभी लोग। आज कितनी संख्या में लोग एमडी? आज हजारों लोग की संख्या में एमडी लोग पहुंचे हैं पहली बार, और अगर जरूरत पड़ी तो लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। हम किसान हैं, बेशक पढ़े लिखे हैं कैसे भी हैं, हम किसान हैं और हमारे लिए हमारी भूमि माँ है। हम एमडीए से ये नहीं बोलते हमारा रेट बढ़ाओ, हम किसी चीज़ को यही नहीं बोलते कि हमारी जमीन खरीदो। हम क्यों बेचे जमीन? हमारी माँ है, अगर ये जमीन तुम हमसे ले लोगे 4-5 बीघा, कोई 10-20 बीघा, इससे ज्यादा किसी पे नहीं है, वो ले लोगे तुम, खेती किसमें करेंगे? फिर सरकार बोलती है कि किसान अन्न दो, कहाँ से देंगे अन्न? तुम्हारी तरह फ्लैटों में रहना शुरू कर जाए, परिवार ना बढ़ाएंगे? शहरों की तरह हम भी छोटे छोटे कमरों में रहना शुरू कर देंगे? जो पहले 2012 में सरकार ने हमसे जमीनें ली थी, उन जमीनों का क्या किया? कितनी डेवलपमेंट हो गई, सब बिल्कुल बंजर पड़ी है, गाय भैंस भी नहीं चढ़ सकती, बिल्कुल रेत ही रेत है वहाँ, पूरी वहाँ खराब हो गया। कम से कम किसानों के हाथों में दोगे, कम से कम डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा, फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। कोई शर्त रखना चाहते हैं? कोई शर्त नहीं है, बस जमीन नहीं देंगे, बात जमीन नहीं देंगे, कहीं और की लो, हमारे यहाँ की मतलब किसानों की लोगे क्या? फैक्ट्रियां तुड़वा के अपनी घर बनवा लो, फैक्ट्रियां तुड़वा के घर बनवा लो, इलीगल काम करवा रहे हो, घर बनवा लो, हमारी लोगे क्या? दो दो बीघे के बंगले में रह रहे हैं अधिकारी, उनके बंगले तुड़वा के किसानी करवाओ। क्या है कि कुछ हमने प्लॉट ले रखे हैं किसी जमीन में, वो प्लॉटों के बारे में हम कहना चाहते हैं। अच्छा, हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके प्लॉट लिए हैं और वो नंबर भी इन्होंने इक्वायर कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि वो हमारे प्लॉट इक्वायर नहीं करे जाएँ और हमें मकान बनाने या कारोबार करने के लिए परमिशन करना चाहेंगे। बस हमारे प्लॉट न लिए जाएँ। आपके प्लॉट किस जगह पर है? ये डिडोरी में। आज हम पहुंचे प्राधिकरण के एमडीए के उसमें कैंपस में। क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि बगैर सूचना के किसानों को कोई जानकारी नहीं दी गई और जमीन एक्वायर करने लगे, और ये हमारी जमीन लेंगे 80 लाख रुपए बीघा हेक्टेयर, और अपनी जमीन देंगे 32 करोड़ हेक्टेयर। तो किसान, सीधी बात यह है कि किसान अपनी जमीन देने के लिए इन्हें तैयार है ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर किसान छोटे छोटे हैं इसमें, और वो उन्हें अपनी जगह भी बनानी, अपने बच्चों का मतलब उन्हें खाने पीने के लिए, जमीन देने के बाद में तो उनको कुछ गुजारा रहेगा ही नहीं। नहीं, कोई बात नहीं करी किसान, भाई इन्हें बात करनी चाहिए थी किसान से पहले, उसे सहमत अपनी उसमें सहानुभूति देकर जो है अपने आश्वासन देते ये। रणनीति ये है कि हम परसों को क्या तारीख है 26, 27, 28 में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे मुरादाबाद में अम्बेडकर पार्क में, और जिला अधिकारी महोदय को बुलवाए के वहीं उसे ज्ञापन देंगे, कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन देंगे परसों को। आज कितनी संख्या में लोग यहाँ? आज है तो हजारों की संख्या में है। प्राधिकरण में 1250 हेक्टेयर जमीन के सुनियोजित किए जाने का अब प्रोग्राम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने जारी किया है। इसमें 11 गांव की जमीन हमारे यहाँ सम्मिलित की गई है, और उसको अकॉर्डिंग लॉ जो है सर्वसम्मत से और सहमत के आधार पर हम उसको लेंगे, और साथ ही साथ जो सुनियोजित प्लान है उसको करने का प्रयास किया जाएगा। आज भारतीय किसान यूनियन के कुछ लोग आए थे, उनका कहना था कि हम जमीन को
वो देना चाहते हैं, लेकिन बट अपने उस पर तो हमारा पहले से ही कार्यक्रम है कि सहमति के आधार पर हम जमीन लेंगे, हम कोई भी जमीन अधिग्रहण या उसके तहत नहीं ली जाएगी। हमने किसानों को समझा दिया है कि आपकी किसानों का ये भी कहना है कि हम किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देंगे, क्योंकि इससे हमारी रोजी रोटी चल रही है, कुछ छोटे किसान भी हैं। तो अगर जमीन नहीं देंगे तो ऐसा कोई प्रायोजन नहीं है कि जमीन नहीं देंगे तो हम जबरदस्ती लेंगे। योजना बनाने के लिए निर्धारित है, जब चारों तरफ का डेवलपमेंट हो जाएगा तो मेरी आशा ये है कि वो भी इस कार्य से वंचित नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विकास चाहता है और विकास की तरफ परिलक्षित होना चाहता है। सर, तो आपके अनुसार अगर कोई किसान जमीन ना देना चाहे तो वो जमीन नहीं देगा, आप बाकी की जगह पे डेवलपमेंट कर देंगे? लेकिन जो जमीन नहीं देगा वो भी हमारे डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत होगा और वो नक्शा नियोजन और कंपाउंडिंग के कराने के लिए सुनिश्चित होगा, वो भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है, तो वो भी हम सुनियोजित करेंगे। अगर जमीन नहीं देगा तो जहाँ डेवलपमेंट चाहेगा या योजना बनाना चाहेगा या वो मकान बनाएगा तो वो प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत। सर, मुआवजे की बात करें तो किसान अगर मुआवजे की बात रखते हैं तो क्या मुआवजे बढ़ाया जाएगा? वो तो अकॉर्डिंग लॉ है कि देहाती क्षेत्र का जमीन का 4 गुना और नगरी क्षेत्र का 2 गुना सर्किल रेट का होता है, और मैक्सिमम और सहमत के आधार पर हम किसानों से आपस में बात करके ही जमीन लेंगे, जो स्वेच्छा से देना चाहेंगे वो नहीं मिलेगा। कब तक किसानों को मुआवजा मिलने की उम्मीद है? ये योजना थोड़ा सा इस पहल में है, अभी दावे आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं, 20 तारीख तक जो भी किसान अपना सुझाव देना चाहें वो हमारा पटल निर्धारित है, उस पर आकर के अपने सुझाव और आपत्तियां दे सकते हैं, उन पर विचार करके निस्तारण किया जाएगा और सहमति के आधार पर उनको अवगत कराया जाएगा कि ये स्थिति आपकी आपत्ति की है और उसका निस्तारण करके। अपील ये करना चाहेंगे कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत जो योजना बनाई गई है वो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और उसमें मुरादाबाद का विकास होगा, जैसे नोएडा और NCR वगैरह के विकास हो रहे हैं उसी तरह से मुरादाबाद को अच्छे विकास की तरफ ले जाने के लिए प्रयास करें। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।